Hi students, I'm Dr. Prabhat and today we are going to learn about acquired immunity. Innate immunity we have seen in the last lecture. Acquired immunity, we have said that it's an immunity which has been acquired, matlab liya gaya hai after birth, hai na? After birth hume jo mila hai. So these characters are specific for acquired immunity. Ye innate immunity mein humne nahi dekha tha. Aapne dekha tha innate immunity mein cheeze non-specific hai. Hai na? For example, barrier, skin. Is for bacteria also, for virus also, for fungi also, so it's non-specific. ठीक है, acquired is pathogen specific, मतलब bacteria के लिए. मान लो कि एक bacteria आया जिसका नाम है Staphylococcus aureus, so इसके लिए एक antibody बना, एक antibody आपके body ने इसके लिए बनाया. कुछ दिनों बाद आपके body में आया Staphylococcus निमोनी या जो भी है, इसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगा वो इस एंटीबॉडी से अलग होगा. तो ऐसे जितने भी लोग आएंगे, जितने भी पैथोजन या एंटीजन आपके बॉडी में आएगा, उन सब के लिए जो एंटीबॉडी बनेंगे ना वो पहले वाले से अलग होंगे. सो सबके लिए स्पेसिफिक होगा. दिस इज पैथोजन स्पेसिफिसिटी. नाउ सी व्हाट इज मेमोरी. ये जो एंटीबॉडी बनाना या इस एंटीबॉडी बनाने में जो बी सेल एंड टी सेल्स इन्वॉल्व हुए, उन्होंने एक मेमोरी सेल्स बनाया. ये मेमोरी सेल्स का क्या यूज होगा. नाउ दिस मेमोरी सेल्स व्हेन द सेकेंड एक्सपोजर विल अकर, सेकेंड एक्सपोजर मतलब जब दूसरे टाइम ये लोग अंदर इंटर करेंगे, ये सेम एंटीजन जिसकी हम बात करें, जब दूसरे टाइम ये आपकी बॉडी में इंटर करेंगे, देन दे विल टेल द बॉडी दैट सी वी ऑलरेडी वी हैव टैकल दीज इन्फेक्शंस, हमें पता है कैसे करना है. एंड सो इट विल लीड टू सेकेंडरी और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स. यानी द मेमोरी सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल सेकेंडरी और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स. इसको थोड़ा आराम से समझो और भी आगे हम देखेंगे इसको. देखो, पहली बार जो एक्सपोजर हुआ, फर्स्ट एक्सपोजर, उस टाइम जो रिस्पॉन्स आया था उसको हमने बोला था प्राइमरी रिस्पॉन्स. प्राइमरी रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, यदि इधर एंटीबॉडी टाइटर मतलब अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी हो तो प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, वीक होता है. अब जब हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स बन चुके हैं, हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स बन चुके हैं, है ना. नाउ व्हेन द सेकेंड एक्सपोजर विल अकर, व्हेन द सेकेंड एक्सपोजर विल अकर, अब क्या होगा. नाउ द बॉडी नोज कि भैया ये लोग कौन हैं और इनको कैसे टैकल करना है. सो द सेकेंड एक्सपोजर के केस में द रिस्पॉन्स विल बी लाइक दिस, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग. So why this fast and strong secondary response? Because of memory cells. So, and what the memory cells is doing? This is doing this anamnestic response. So they are the character of acquired immunity. ठीक है जी. Feature of acquired immunity, it's diverse. Diverse. अभी हमने देखा जितने लोग आएंगे उतने antibody ये बना सकता है. It has something known as memory cells की क्षमता, जिससे कि ये secondary response करा सकता. तीसरा, इट हैज़ कैपेबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब जो एंटीबॉडी बना है बॉडी में वो सेल्फ सेल को नहीं मारेगा, और यदि हमारा शरीर का एंटीबॉडी हमारे ही सेल को मारने लगे तो इससे बीमारी हो जाएगी, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं हम, ऑटो इम्यून डिजीज. हमने 11th क्लास के 20th नंबर चैप्टर में देखा था, 20th नंबर चैप्टर में देखा था, एक बीमारी हमने पढ़ी थी माइस्थेनिया ग्रेविस. उसमें हमने देखा था कि इस बीमारी में एंटीबॉडी बन गई किसके अगेंस्ट, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के अगेंस्ट. तो रिसेप्टर हमारे बॉडी का सेल है, स्टिल हमारे बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दिया. ठीक है, सो लेट्स सी, इट्स स्पेसिफिक, इट डाइवर्स, इट कैन डिस्क्रिमिनेट एंड इट हैज मेमोरी. नाउ वी आर गोइंग टू see the detail. Of course it's just a lines that B cell and T cells are involved. B cells will be forming antibody and T cells will be helpful in the formation of this antibody. Dekhenge hum detail jaise se aage jayenge isme hum dekhenge detail. Now what is this primary and what is this secondary response, already humne discuss kar liya. Just for revision, it was after first exposure and secondary after second exposure. Theek hai, kya farak kya tha in logo mein, mainly kya farak tha, ye वीक था ये स्ट्रॉन्ग था, ना ये टाइम ज़्यादा ले रहा था, इसमें टाइम कम लग रहा था. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रिस्पॉन्स. देखो यही कर्व हमने पढ़ा था ना,
सो दिस इज प्राइमरी वर्सेज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्टिव वर्सेज पैसिव इम्यूनिटी। ये हमने इम्यूनिटी का जो लास्ट चैप्टर किया था इनेट वाला, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था, बट देख लो एक बार और। एक्टिव वर्सेज पैसिव इम्यूनिटी हमने बोला था, एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स बॉडी इज एक्टिवली इन्वॉल्व। बॉडी इज एक्टिवली इन्वॉल्व मतलब क्या, आपकी बॉडी में क्या आया, आपकी बॉडी में एंटीजन इंटर किया है और बॉडी ने एक्टिवली इन्वॉल्व होकर एंटीबॉडी बनाया। व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी के केस में हमने देखा था कि सपोज दिस इज अ पर्सन, और उस पर्सन के अंदर आपने बना बनाया एंटीबॉडी डाला, बॉडी पैसिवली बैठी हुई, आपने बना बनाया डाला, देन दिस इज पैसिव। आप देख सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के केस में टाइम लैग ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा, इसलिए आप एक्यूट कंडीशन मतलब जिसमें इमरजेंसी है उसमें आप यूज कर सकते हैं। आप देखो HIV के पेशेंट में इसका कोई यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी एंटीबॉडी बना ही नहीं सकती है। ये HIV के केस में यूजफुल होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी को कुछ नहीं करना, आप बना बनाया डाल रहे हैं। हम जैसे इस चैप्टर में आगे जाएंगे हम देखेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी ही वो चीज़ है जो कि मेमोरी सेल्स हमारे बॉडी में बनाती है, पैसिव में मेमोरी सेल्स नहीं बनता, और इसलिए जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बात आएगी ना या एमनिस्टिक रिएक्शन की, वो हम देखेंगे कि एक्टिव में तो होगा लेकिन पैसिव में नहीं होगा क्योंकि मेमोरी सेल्स है ही नहीं। ठीक है, यही हमने इस टेबल में भी लिखा हुआ है दैट एक्टिवली ये पैसिवली। इसका एग्जांपल है वैक्सीन, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, वैक्सीन डाल के आप क्या कर रहे हैं, आप प्राइमरी एक्सपोजर करा रहे हैं एंड बॉडी में मेमोरी सेल्स बनवा रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका बना बनाया एंटीबॉडी डालना, है ना। ये देखो ये ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव, वाई? बिकॉज ड्यूरेबल क्यों है? मेमोरी सेल्स के कारण, शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, लैग पीरियड, वाई? टाइम लगेगा बनने में, इसमें ऐसा कोई नहीं है, एक्यूट के केस में यू कैन डू दिस। देन मेमोरी प्रेजेंट, मेमोरी एब्सेंट, नो पर्पस इन HIV, यस इन HIV, प्रोफाइल एक्सिस लाइक वैक्सीनेशन के लिए कर सकते हैं, और ये आप एक्यूट के लिए कर सकते हैं, ऑलरेडी ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम, डियर फ्रेंड वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ गो टू द चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।